17। बजट आपको मदद करता है ताकि आप अपने फाइनेंसेस को बेटर मैनेज कर सकें। आपका पैसा कहाँ चला गया, आप इस सवाल से परेशान रहें, इसलिए बजट आपको ये बताता है कि आपका पैसा कहाँ जाना चाहिए। तो लीजिए, हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने अपने बजट बक्से के साथ, जिसमें हैं आपके सीधे सीधे सवाल, और हमारी कोशिश है कि आपके इन सीधे सीधे सवालों का हम सीधा सीधा जवाब भी तलाश लें। खास मौके पर हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान मिस्टर प्रतीक जैन, KPMG इंडिया में पार्टनर हैं। राहुल, मैं पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आइए यहाँ पर और हमें बताइए कि आज इस बक्से में से आपका कौन सा सवाल निकलता है। तो GST से मुझे क्या मिलेगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? GST को लेकर काफी चर्चाएं हैं, तो बेसिकली सबसे पहले तो एक आम आदमी ये जानना चाहता है सर कि ये GST है क्या? ट्राइड एंड टेस्टेड टैक्स है, इससे कंज्यूमर को फायदा होता है, इंडस्ट्री को फायदा होता है, और ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सिंपल टैक्स सिस्टम है। मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ और कुछ मैन्युफैक्चर करता हूँ। अब ये मैन्युफैक्चरर जो है ये क्या करता है, ये तमाम तरीके की वस्तुएं खरीदता है। कुछ वस्तुएं ये हो सकता है दिल्ली के बाहर अगर UP से खरीद रहा हो उसमें ये एक्साइज ड्यूटी पे करता है, और एक टैक्स लगता है CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स पे करता है, जो 2% होता है और एक्साइज ड्यूटी 12% होती है। अब मैंने ये माल बना लिया यहाँ पर और मैं आगे रिटेलर को बेचता हूँ। अब जब रिटेलर को मैं बेचता हूँ तो सिर्फ वैट चार्ज करता हूँ, नॉर्मल रेट वैट का 12.5%, स्टेट टू स्टेट डिफर करता है लेकिन जनरली 12.5%। अब मैं रिटेलर जब है, कस्टमर जब जाता है रिटेलर के पास जो माल खरीदता है उस पर भी वैट लगता है। अब जब GST लगेगा तो क्या होगा कि जब ये माल खरीदूंगा उस पर GST लगेगा, एक्साइज ड्यूटी भी नहीं होगा, CST भी नहीं होगा। जब मैं माल बेचूंगा उस पर GST लगाऊंगा, और जब ये माल बेचेंगे तब भी इस पर GST लगेगा, और इस GST का मेरे को पूरा बेनिफिट क्रेडिट मिल जाएगा। सर, ये GST का क्या रेट होगा, छोटे व्यापारियों को इससे कैसे फायदा हो सकता है? सर, सबको मिला जुला के देखें तो कम से कम जो फाइनल प्रोडक्ट आप खरीदते हैं उस पर एनीवेयर बिटवीन 25-30% टैक्स लगता है। GST में उम्मीद ये की जा रही है कि ये टैक्स रेट जो है ये घट करके 20-21% के आसपास आ जाएगा। पर जो इंडिया का कॉमन मैन है उसको क्या फ़ायदा मिलेगा, और जैसे कि मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से? ये बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। अगर आप जाकर के सामान खरीदते हैं आज, आपको पता नहीं कि कितना टैक्स आप दे रहे हैं और कितना गवर्नमेंट के पास जा रहा है, क्योंकि वो बहुत सारे टैक्स पहले ही लग चुके हैं उस पर। GST में क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि कितना GST गया है। तो आज एक कंज्यूमर, आप पता है कि 100 रुपये का आपने सामान लिया तो 20 रुपये आपने गवर्नमेंट को दिया। सर, हमें ये भी बता दीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से और लेजिस्लेटिव के लिहाज से ये कितना फीजिबल होगा, कितने इसको लागू करने के बाद अप्स एंड डाउन आने वाले हैं? देखिए, आसान नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको गवर्नमेंट को लॉ लाना पड़ेगा, सारे स्टेट्स को आप शामिल करना पड़ेगा, IT सिस्टम जो है वो तैयार करनी पड़ेगी, इसमें काफ़ी मुश्किल होने वाली है, इतना आसान नहीं है। अगर आप मेक इन इंडिया कैंपेन को बढ़ाना चाहते हैं और आप सिंपल स्ट्रक्चर रखना चाहते हैं टैक्स का, जिससे कि बाहर के लोग यहाँ पे आकर के अपना कारोबार कर सकें, तो GST लागू करना अनिवार्य है। बिल्कुल, और भारत में टैक्स, जिसे हम टैक्स टेररिज्म के नाम से जानते हैं, उससे हमें थोड़ी राहत मिलेगी। और हमारे इस बजट बक्से से लगातार आपके मन की बातें, आपके सवाल निकलते रहेंगे। इसके लिए आप देखते रहिए IBN 7।